Hello students, I am Parveer. Exercise 1.2 Mathematics class 10 ka third question hai. Find LCM and HCF by prime factorization method. Hame kya karna hai? Hame LCM aur HCF find out karna hai. Wo bhi prime factorization method se. Theek hai? Teen part hai is question ke andar. Tino part karenge hum. First part jo hai wo hai 12, 15 and 21. जो सेकंड क्वेश्चन था जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें दो दो नंबर थे उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने थे और उनको वेरीफाई भी करना था उनकी प्रोडक्ट से ठीक है लेकिन इसमें वेरीफाई नहीं करना हमें ओनली एलसीएम और एचसीएफ निकालना है लेकिन अब की बार दो नंबर की बजाय तीन तीन नंबर्स का निकालना है तीन नंबर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेम वही तरीका है जो दो नंबर वाले में लगा था बस ठीक है वही तरीका है बस नंबर तीन हो गए हैं ठीक है तो वैसे है ये सिंपल देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन ठीक है तो देखो 12 15 एंड 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे इन तीनों नंबर को ठीक है फिर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखिए आपको पता भी है वैसे भी तो हम 12 के निकालेंगे 15 के निकालेंगे और 21 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलते हैं ठीक है छोटे से स्टार्ट होकर बड़े तक चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा ये 6 फिर से 2 से डिवाइड होगा 3 अभी 3 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा 6 फिर 2 से डिवाइड होगा 3 अब 3 से डिवाइड होगा 1 1 आते ही आपका क्या हो जाना है रुक जाना है कंप्लीट हो गया ये अब है 15 15 के भी करेंगे हम 15 में 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा 3 5 जा 15 अब 5 पर जाएगा अब हम करेंगे 21 के 3 पे जाएगा 7 और अब 7 पर जाएगा 1 तो 12 के 15 के और 21 के तीनों के कर दिए हैं मैंने यहां पर ठीक है 12 के 15 के 21 के क्या कर दिए मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने इनका ठीक है अब मैं इनको क्या करूंगा इन तीनों नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखूंगा कैसे 12 लिखेंगे पहले हम फिर 15 लिखेंगे फिर 21 लिखेंगे तो देखना 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 2 into 3 देखो 2 into 2 into 3 12 को लिखूंगा मैं 2 into 2 into 3 दो बार 2 है तो मैं इसको 2 स्क्वायर लिख दूंगा और into मैं 3 15 को मैं लिखूंगा 3 into 5 इसी प्रकार 21 को 3 into 7 ठीक है अब मुझे बताना सबसे पहले हमें HCF और LCM निकालेंगे कल किया था वैसे ही तो पहले निकालेंगे HCF now HCF of किसका 12 15 और 21 का निकालें HCF ठीक है देखो कैसे होता है एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा ठीक है कॉमन का मतलब क्या है मान लो इसमें और इसमें और इसमें तीनों में जो कॉमन मिले और एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों में जो प्राइम फैक्टर्स है ना जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर एचसीएफ होगी उनकी लोएस्ट पावर एचसीएफ होगी इसका दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कॉमन वाले को कि द लोएस्ट पावर ऑफ ए कॉमन प्राइम फैक्टर्स ठीक है तो देखो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है और 3 है वो तीनों में देखो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है 5 और 7 भी तीनों में नहीं है लेकिन 3 ऐसा है 3 की पावर जो लोएस्ट होगे वो लेंगे जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेंगे तो कॉमन क्या है तीनों में 3 3 की लोएस्ट पावर तीनों में 1 है तो 1 होगा तो 3 की पावर 1 यानी 3 तो ये एचसीएफ आ जाएगा 12 15 और 21 का 3 अब ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे इनका 12 15 और 21 का क्या निकालेंगे हमें एलसीएम एलसीएम के लिए कॉमन पावर नहीं देखना हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर हर एक प्राइम नंबर जो भी तीनों में है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम्स आए हैं उनकी हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है एलसीएम में ठीक है तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट ठीक है 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तीनों में 1 5 की 1 है और 7 की भी 1 है हर एक प्राइम की अपनी हाईएस्ट पावर ले सबकी 1 ही थी 2 की 2 थी वो 2 ले लिया 2 की 2 को मैं 4 लिख सकता हूं 4 into 3 into 5 into 7 4 3 जा 12 5 जा 60 7 जा 420 ये क्या आ गया LCM आ गया इन नंबर तीनों का और ये HCF आ गया इसमें वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं रखा और वेरिफिकेशन होता भी नहीं इसमें
तीन नंबर वाले में यानी जिन्हें तीन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उसमें इन तीनों की ये मत कर देना कि इन तीनों की एचसीएफ और एलसीएम गुणा इन तीनों की प्रोडक्टिविटी को लाएगी, नहीं ये केवल दो नंबर वाले में होता है, तीन नंबर वाले में एचसीएफ और एलसीएम की गुणा इन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी आप वेरीफाई करने की सोचो भाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई करके मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर लूं और मेरा आंसर ठीक आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, नहीं वो वेरिफिकेशन तीन नंबर वाले में नहीं होता है, वो ओनली टू नंबर वालों में ही वैलिड होता है, यहाँ पर वो वेरिफिकेशन नहीं होगा, वहां पर वो रिजल्ट नहीं लगता है, ठीक है तीन नंबर वाले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, वो दो नंबर वाले में लगेगा, थ्री नंबर वाले में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन है मेथड से। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार है, उसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बस जो है आपके पास नंबर चेंज हो गए, जो तीनों थे वो नंबर चेंज हो गए, ठीक है। तो अगले में जो है, अगले में है 17 23 और 29, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मेरे साथ साथ करेंगे, अब तो आप सिंपल है ए, अब आप साथ साथ करना स्टार्ट कर दो क्योंकि आपको पता चल गया हमें कैसे निकालना है। तो मेरे साथ साथ आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे 17 के प्राइम फैक्टर्स, 23 के प्राइम फैक्टर्स और 29 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तीनों प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते नहीं, वो केवल खुद से डिवाइड होता है, ये 1 से होता है, तो मैं ये सोचता हूं खुद से डिवाइड करना है, यहां पर भी 17 बन जा, 23 बन जा, 29 बन जा, सीधे ही इसमें कोई मल्टीप्लाई होगी नहीं क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तो 17 को भी 17 × 1 ही लिखा जाएगा, 23 को भी 23 × 1 ही लिखा जाएगा और 29 को भी 29 × 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM, तो देखना जरा HCF of 17, 19 और 23 और फिर निकालेंगे LCM of 17, 19 और 23, ठीक है निकालेंगे। तो देखना HCF क्या होता है, कॉमन, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वैसे भी उनका HCF 1 होता है और आप ऐसे देख सकते हैं उनमें 1 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। वैसे भी जिन नंबर्स में कोई कॉमन नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद तो उनका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो HCF जो हो जाएगा वो तो 1 आ जाएगा। LCM हाईएस्ट पावर, हर एक प्राइम फैक्टर की जो है हाईएस्ट पावर, तो हर एक 1 तो हो गया, 1 की तो ट्राई करेंगे 1 ही आएगा, और वैसे 1 हम लेते नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन इस लोगों को कोई नंबर नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। ये 1 वैसे प्राइम नंबर होता नहीं है, आप ऐसे लिख, वैसे मैंने एक बार बता दिया 17 को मैंने 17 × 1 ये समझाने के लिए कि भाई HCF 1 आएगा क्योंकि 1 ही कॉमन आता है, इनमें कोई नहीं होता है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने 1 लिखा है। वैसे ये प्राइम नंबर नहीं होता है 1, वैसे आपको पता है, लेकिन 17 23 और 29 तीनों को हम क्या करेंगे, वैसे भी आप इनकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आता है, 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो वो वही नंबर रहता है। अब LCM में हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, तो 17 की भी हाईएस्ट पावर, 23 की भी हाईएस्ट पावर और 29 की भी हाईएस्ट पावर, तीनों की हाईएस्ट पावर ले ली हमने, तीनों की 1 है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 11,339, 11,339 ये आ गया LCM ऑफ दीस थ्री नंबर्स, HCF आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, सोल्व करो मेरे साथ साथ, बिल्कुल इजी है ना। थर्ड पार्ट देखिए अब इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में भी LCM और HCF निकालने हमें, ठीक है, बस वही है आपके पास, थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25, ठीक है। तो हर एक के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहां पर 8 के निकालेंगे, यहां पर 9 के निकालेंगे और यहां पर 25 के निकालेंगे, ठीक है। 8 का 2 से होगा 4, फिर 2 से होगा 2, फिर 2 से होगा 1, 3 3 3 1, 5 5 5 1, ठीक है हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2^2, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 × 3 यानी 3^2 और 25 को मैं लिख सकता हूं 2^3 आएगी यार, 3 है ना 2, देखो 1 2 3 2^3 आएगी, 2^3 आएगी, 5 × 5 यानी 5^2, 8, 9 और 25 के हमने प्राइम फैक्टर्स के एक्सप्रेस में कर दिया, इन तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस कर दिया ना इस प्रकार। अब देखो HCF और LCM, HCF ऑफ 8, 9 और 25 और फिर आएगा LCM ऑफ 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 ध्यान से देखना। HCF जो होगा तीनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया था क्या होता है उनका HCF 1, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कोई कॉमन है, 2 यहां पर है, इन दोनों में नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं है, 5
5 इन दोनों में नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं होता। HCF क्या होता है? 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। LCM हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। 2 की क्यूब हो जाएगी हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे आ जाएगा 8 × 9 × 25, क्योंकि बात है कि 8 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अच्छा 25 की 8 से करेंगे तो 200 की 9 से करेंगे तो 1800, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां पर आगे लिख रहा हूं ताकि दिख जाए आपको, 1800। ये आपका LCM आ गया, तो LCM 1800, HCF 1 ऑफ 8 9 और 25, यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है ऐसे ही है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, LCF और LCM निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है ना। इसी प्रकार का क्वेश्चन है LCF LCM का, लेकिन उसमें थोड़ा अलग है, बस कुछ भी अलग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो किया था वैसा ही हमने पिछले जो वीडियो में किया था। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, वो उसमें भी बेसिकली हमें क्या दिया गया है, उसमें जो हमने वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला किया था ना कल, LCM into HCF is equal to product of the numbers, दो numbers से, उस वही फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या है, उसमें हमें ये देखो ये कंडीशन है, या फिर प्रकाश देखो एल्स कंडीशन कुछ नहीं है, गिवन है LCM दिया हुआ है, सॉरी HCF दिया हुआ है, HCF है किस किस दो नंबर का है, 306 और 657, इन दो नंबर का HCF 9 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, कहा हुआ है कि फाइंड LCM, हमें LCM निकालना है, ठीक है हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ये तो है ये गिवन है, ये जो चीज है ये गिवन है, ये चीज गिवन है, और LCM हमें फाइंड आउट करना है इनका ही, LCM ऑफ 306 और 650 इनका हमें LCM और निकालना है। निकाल दो, अगर हमें दोनों नंबर पता है और HCF पता है तो हम LCM निकाल सकते हैं, और LCF नहीं पता हो तो भी तो निकाल सकते हैं, दो नंबर हमारे पास LCM निकाल लो, LCM तो निकालना आता है एक और दो नंबर का, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है कि भाई हमें दो नंबर पता है तो। अब सीधा सा अगर क्वेश्चन में HCF देकर LCM पूछा है तो इसका कहने का मतलब है वो उस फॉर्मूले में HCF यूज करवाना चाहता है LCM निकालते वक्त, वरना सीधा इसका और इसका LCM निकाल सकते हैं, इस चीज में कोई जरूरत नहीं है, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, इसके प्राइम फैक्टर निकालो और LCM निकाल दो, इसी की आदत है। लेकिन अगले ने क्वेश्चन में ये दे रखा है तब LCM पूछ रखा है, तो इसका कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन निकालते वक्त इस चीज का यूज करना है, HCF का यूज करना है, और HCF का यूज LCM निकालते वक्त कैसे कर सकते हैं, एज वी नो दैट आप लिख देंगे, एज वी नो दैट LCM ऑफ कोई भी दो नंबर मान लिया, मैंने मान लिया ए इंटू बी, सॉरी ए और बी इंटू HCF ऑफ ए और बी इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, हमें पता है कि LCM of A और B, we know that LCM of A और B into HCF of A and B is equal to A cross B, मतलब उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी दो नंबर्स जो है उनका HCF और उनकी LCM की मल्टीप्लाई उनके खुद की मल्टीप्लाई के बराबर आता है, हमने कल ये पढ़ा भी था पिछले वीडियो में, वही है ये, अब LCM into HCF is equal to A cross B, तो अब की बार ये है तो हमें क्या निकालना है, LCM, तो LCM की जगह LCM ही रहेगा, LCM of नंबर है हमारे पास, अब की बार A की जगह पर ये हो जाएगा, B की जगह पर ये हो जाएगा, into HCF, HCF of A and B, A B की जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना है, और is equal to इन दोनों की multiply, LCM को as is रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है तो find out करना है, तो इसको as is रखो, रख दिया, into में HCF, HCF of 306 और 657, ये रेखा 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो थी हमें ये निकालनी है ये चीज, तो इस 9 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 306 into 657, ये इधर आके डिवाइड भी हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके तो आपका आंसर आ जाएगा 22338, ये हमारा LCM आ गया 22338, ठीक है ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया ऑफ 306 और 657, ठीक है तो हमारा ये क्या आ गया, LCM आ गया। अब LCM आ गया, ये निकालना था और क्या करना था, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है बिल्कुल इजी था ना, क्या था आपको HCF दिया गया था, LCM निकालना था, LCM into HCF is equal to दोनों की मल्टीप्लाई, HCF को उधर ले गए 9 पुट करके, क्योंकि HCF हमें 9 दिया गया था, तो इसको सॉल्व कर देता LCM आ गया हमारे पास, हैंड सॉल्व, ठीक है तो यही इतना आसान क्वेश्चन था आपको यही सॉल्व करना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से LCM और HCF के कुछ खुद के एग्जांपल्स लेने हैं और उनको सॉल्व कर करके देखना है आपको, ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आपकी गलतियां कम से कम हो एग्जाम टाइम में, और
और आप अच्छी तरह से इनकी आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो तब तक आप इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है, थैंक यू।